हेलो फ्रेंड, मैं खुशबू और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चर्बी ट्यूब में। तो आज की ये वीडियो है मीशो चिकनकारी कुर्ती हॉल। जैसा कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय से मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कोई शॉपिंग हॉल करूं मीशो से, तो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हाजिर है ये वीडियो। और ये मीशो से मेरा फर्स्ट टाइम शॉपिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए वन बाय वन शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से चिकनकारी कुर्ते परचेज किए हैं मीशो से। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि जो भी प्राइस होगी हर एक कुर्ते की और साइज, वो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसके अलावा मीशो से चूँकि प्रोडक्ट लिंक नहीं होते, तो जो प्रोडक्ट कोड होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप में से कोई बाय करना चाहे तो आप वहाँ से जाके लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कुर्ती है मेरे पास, वो एक पीच कलर की कुर्ती है जो कि कुछ ऐसी है, पीच कलर में है। और इसके नेक पे ये जॉर्जेट के फैब्रिक में है, इसकी फैब्रिक जॉर्जेट है। और इसके नेक की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से है और वाइट कलर के थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरे नेक पे, जैसे कि चिकनकारी कुर्तों में होती ही है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इस तरीके से ये पूरी कुर्ती है। इसकी लेंथ नी से नीचे तक जाएगी, लाइक लॉन्ग कुर्ती है ये। और इसके साइड्स पे भी इस तरीके से वर्क की हुई है दोनों ही साइड्स पे, और इसमें ऑल ओवर इस तरीके के प्रिंट्स हैं। और इसका बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, बस एक बूटी सी बनी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये पीच कलर की है, तो पीच कलर मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो ये पहली कुर्ती थी। और इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इसके कलर का इनर भी मिला है, जो कि कुछ इस तरीके से है, कॉटन के फैब्रिक पे है और बिल्कुल मैच करती है इसी कलर में। और ये ऐसी है इसकी इनर, और इनर भी आपको सेम कुर्ते के साइज़ की ही मिल जाएगी। तो चिकनकारी कुर्तों के साथ जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अगर आप मुझे लंबे अरसे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे चिकनकारी कुर्ते पहनने का बहुत शौक है। तो मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम होती थी, वो आपको जल्दी इनर नहीं मिलती थी कुर्ते से मैच करती हुई। कई दफ़े तो ऐसा भी होता था कि अलग से फैब्रिक लेके स्टिच करवानी पड़ती थी इनर, पर मीशो में इस प्राइस पे आपको कुर्ते के साथ इनर भी रिसीव हो रहा है, तो इनर ढूंढने का कोई मसला नहीं है आपके साथ। इसके अलावा जो क्वालिटी है इस प्राइस रेंज पे, ये आपको लोकल मार्केट में भी बहुत ईजली नहीं मिलने वाली है। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मीशो में आपको चिकनकारी कुर्ते मिलते हैं, और बहुत ही सुंदर है, बस आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है पेशेंस के साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ये मेरा पहला कुर्ता था जो मुझे बहुत पसंद आया। तो जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है रेड कलर का, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल मैंने मीशो से जितने भी कुर्ते बाय किए हैं चिकनकारी के, वो सब मुझे बहुत पसंद आए हैं। लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा पसंद आई, और इस प्राइस रेंज पे ये मिल पाना बाहर भी बहुत ही मुश्किल है। तो ये कुछ इस तरीके से है रेड कलर में, ये भी जॉर्जेट के फैब्रिक में है। इसके नेक पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग है, वही थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी जो कि चिकनकारी कुर्तों में होती है वाइट कलर से। और इन सब की स्लीव्स जो है वो आपको 3/4 स्लीव्स या उससे थोड़ी लॉन्ग आ सकती है, और इसके स्लीव्स में भी इस तरीके का वर्क है और एक बूटी बनी हुई है। और इस तरीके से कुर्ते पे ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है, और इसके किनारों पे भी एम्ब्रॉयडरी है दोनों ही साइड्स। और इसका बैक बिल्कुल सिंपल है, बस एक बूटी की हुई है इसमें। और इसके साथ भी मुझे इनर रिसीव हुआ है सेम इसी कलर का, जो कि कुछ ऐसा है। और इनके इनर का भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अभी टाइट सा फील हो रहा है, एक वॉश के बाद शायद ये सॉफ्ट हो जाए। ये भी कॉटन या मिक्स कॉटन के फैब्रिक में है, तो इनर बिल्कुल मैच करता हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये सेकेंड कुर्ती थी जो कि रेड कलर में है। अब जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है सी ग्रीन कलर की, जो कुछ ऐसी है। और ये भी जॉर्जेट के फैब्रिक में है, इसके नेक पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, ऑल ओवर इस पे इस तरीके से पूरे में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और इसका नीचे का पोर्शन देखिए कुछ इस तरह से है, और इसका बैक बिल्कुल ही सिंपल है, बस एक बूटी की हुई है, छोटी छोटी सी बूटी की हुई है ऑल ओवर पूरे ही बैक पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है इसकी बैक, और ये कुर्ता फ्रंट से ऐसा दिखता है। और इसमें जो स्टार्टिंग साइज ही था वो मीडियम था, तो मुझे ये थोड़ा लूज हुआ है, क्योंकि मुझे स्मॉल साइज या फिर 38 साइज थोड़ा लूज और ठीक आता है, लेकिन ये मीडियम है और 40 साइज है। तो आप अपने साइज का जरूर ध्यान रखिएगा जब आप मीशो से कपड़े ऑर्डर कर रहे हो।
आता है लाइक वाइन से कलर में, और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस कुर्ते को जो ऑर्डर किया था तो मैंने पर्पल कलर में ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये वाइन कलर में रिसीव हुआ है, और ये कुछ ऐसी दिखती है। हालांकि मुझे ये पसंद बहुत आया है क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देखिए, इसकी नेक की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, इसके हाथ पे भी ऐसे पूरे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और इसका बाजू को एक 3/4 स्लीव्स है, और ये पूरे नीचे तक इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, इसके किनारों पे भी एम्ब्रॉयडरी है। ये कुर्ता और कलर मुझे पसंद आया, हालांकि मैंने ये ऑर्डर किया नहीं था। तो मीशो पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सेम कलर के कुर्ते मंगा रहे हैं जो आपने ऑर्डर किया है, हो सकता है उस कलर का ना आए, तो आप ये भी देख लीजिएगा। इसके भी पूरे बैक पे इस तरीके से बूटी की हुई है, और इसके साथ मुझे इनर रिसीव हुआ है। इसके साथ मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि इसका जो इनर है वो मुझे 44 साइज में रिसीव हुआ है, जबकि कुर्ता मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था। आप चेक करिए इनर कितनी बड़ी है, ये मुझे फिट नहीं आ रही है, और चूँकि इनर फिट नहीं है पर कुर्ता बहुत प्रॉपर नहीं जाएगा, लेकिन कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया। बस यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी इनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, 44 साइज है। तो मीशो में इस तरह की चीज़ें होती रहती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें शॉपिंग करने के दौरान। लेकिन कपड़े की फैब्रिक बहुत अच्छी है, बिल्कुल जॉर्जेट है, फाइन जॉर्जेट है, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी की हुई है, और मैंने जितने भी कुर्ते ऑर्डर किए उन सबकी एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी है, कहीं से धागा निकला हुआ नहीं है, स्टिचिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो अब जो नेक्स्ट कुर्ती है वो अगेन कुछ पीच कलर में है, लेकिन मैंने इसे पीच कलर में नहीं कोरल कलर में ऑर्डर किया था, लेकिन ये पीच कलर में आया है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे हुआ है कि जो मैं ऑर्डर की थी वो सेम कलर नहीं आया है, लेकिन कपड़ा बहुत ही अच्छा है, कुर्ता बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है, इसका नेक कुछ ऐसा है, और ऑल ओवर इस पर एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी की, और इसका जो बैक है उस पर भी छोटी छोटी सी कुर्ती बनी हुई है, बिल्कुल नीचे तक आप देख सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है, और इसके साथ भी मुझे इनर रिसीव हुआ है जो कि ये है। तो आप जो लास्ट आइटम है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और वो है ब्लैक कलर में। मेरे शॉपिंग हॉल में एक ब्लैक तो होना बनता है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। तो ये है वो लास्ट कुर्ता, और इसको मैं कुर्ता नहीं कहूँगी, ये प्यूनिक है, और ये कुछ पैटर्न स्टाइल में है, और इसके साथ आपको कोई इनर नहीं मिलता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको चेस्ट एरिया तक लाइनिंग लगी हुई है इसके साथ, जो कि सेकेंड के फैब्रिक में है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये पैप्लम शॉर्ट प्यूनिक्स या शॉर्ट कुर्ती कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल फ्रॉक की तरह। इसके एक थ्रेड भी लगा हुआ है सामने, आप टाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ ऐसी है। और इसके नेक पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, 3/4 स्लीव्स है, और इसके स्लीव्स पे भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये ऐसी दिखती है। और इसके बैक से आप देखिए, बैक में थोड़ी बहुत बूटी की हुई है, और नीचे भी बूटी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेरे ख्याल से मशीन एम्ब्रॉयडरी है। बाकी जितने भी कुर्ते मैंने ऑर्डर किए वो उन सब पे हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो चिकनकारी कुर्तों में जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होते हैं ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत क्लासी लगते हैं, पर ये मुझे बहुत पसंद आई। आप इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, जीन्स के साथ बहुत तरीके से, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो ये मेरा ओवरऑल शॉपिंग, तो ये थी मेरी आज की वीडियो मीशो चिकनकारी कुर्ती, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है या आप लोगों ने थोड़ा भी इन्जॉय किया है इस वीडियो को, तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी मजेदार सी